गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गार्डनिंग इज़ माई पैशन के चैनल में। आज हम लोग लौकी तरोई के सीड्स को जर्मिनेट करना सिखाएंगे। सबसे पहले तरोई के सीड्स को 24 आवर्स के लिए पानी में डिप करके रखना है और इसको प्लास्टिक के ग्लास में करना है। इसमें ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके सॉइल मिक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए ये लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर है, ये सॉइल है, वो वर्मी कंपोस्ट है, इसमें भी वो सेम है, वर्मी कंपोस्ट, सॉइल और घिसा हुआ। इसको मिक्स करके हमें इस ग्लास में भर लेना है। चलिए पहले हम इसे भर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमें इस तरह ग्लास में भर लेना है, फिर सीड्स को निकालना है और दो सीड्स को एक में डालना है। फिर इसमें हमें फिर से सॉइल को हल्की सी परत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये देखते हैं, फिर हाँ ये हो गया। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देना है। ये जो तरोई के सीड्स मैंने डाले हैं ये बहुत अच्छा रहता है, ये हेल्थ के लिए भी थोड़ी बहुत अच्छा रहता है और इसकी रूटिंग भी बहुत जल्दी होती है। हम देखते हैं इसकी रूटिंग कितने दिन में होती है। ये 5 दिन बाद का रिजल्ट है तरोई के पेड़ में। देखिए इसमें कितनी अच्छी से रूटिंग भी हुई है। यहाँ पे तीसरी लीफ स्टार्ट हो गई है। मैंने इसमें 2 सीड लगाए थे, दोनों जर्मिनेट हो गए हैं। ये इसलिए इतनी जल्दी जर्मिनेट हुए हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर, क्योंकि हमने इसे पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रखा था, इसलिए ज़्यादा जल्दी ये हो गया। और ये देखिए इसमें थर्ड लीफ आना स्टार्ट हो गई है, पर हमें अभी इसे ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट हम कुछ दिन बात करेंगे, उसकी भी फुल अपडेट मिलेगी, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। तरोई के सीड्स कितने अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं। ये 8 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए इसमें 4th लीफ आना स्टार्ट हो गई है। अभी इसे हम पॉट में लगा सकते हैं। चलिए अभी हम इसे पॉट में लगाते हैं। चलिए लगाते हैं पॉट में। ये देखिए गाइस, हमने इसे पॉट में लगा दिया है। कितने अच्छी तरह से लग चुका है ये। ये देखिए, ये हमारे गार्डनिंग इज माई पैशन के चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इसको इस चैनल में इस वीडियो को देखा। मैंने अभी बहुत सारी वीडियो लगाई, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए मेरा छोटा सा गार्डन है, जैसे मेरे पास बहुत बड़े गार्डन है, पर अभी मैं छोटे से गार्डन से स्टार्टिंग किया हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे फ्लावर्स भी होते हैं। ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने अभी लौकी के सीड्स का भी डाला था, कैसे ग्रो करते हैं वो भी जाके देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले हमने करेले का भी किया था। देखिए करेले की बेल कितनी अच्छी तरह से कहाँ तक इतनी ऊपर पहुँच गई है। मैंने इसको घर पे जर्मिनेट किया था, आप इसके एक बार जाके वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गार्डनिंग इज़ माई पैशन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गार्डनिंग इज़ माई पैशन। जय हिंद, खुदा हाफिज़।